हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टिकमैन सुरेश चैनल। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा फोर्स ड्राइव क्विजर स्कूल वैन 2019। इस गाड़ी का हाइलाइट्स, पॉइंट, फीचर और सेफ्टी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए नई नई नोटिफिकेशन जानकारी सबसे पहले जानने के लिए। यदि आप बाइक और स्मार्टफोन के बारे में भी जानना चाहते हैं तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा दो चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ नोबे फोर्स मोटर्स को, क्योंकि उन लोग का सपोर्ट की वजह से वीडियो बन पा रहा है। आप स्क्रीन पर भी एड्रेस देख सकते हैं, यदि गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो फिर आप वहाँ जाकर भी दोस्तों गाड़ी खरीद सकते हैं। सामने आपको ट्रैक्स का क्रोम फिनिश में बैजिंग देखने को मिलेगा, उसके साथ आपको स्कूल इंसिग्निया और स्कूल वैन सिग्नेज भी दोस्तों आपको देखने को मिलता है, आप खुद भी देख सकते हैं सामने। उसके साथ आपको फोर्स का क्रोम फिनिश में बैजिंग आप गाड़ी का बम्पर के सामने आपको देखने को मिलता है, और गाड़ी देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, आप देख सकते हैं इसका फोर्स का क्रोम फिनिश में बैजिंग। दोस्तों, बात करें तो इस गाड़ी का एक्सरूम प्राइस की, तो इसका जो स्टार्ट होता है 7,63,000 रुपये से। बात करें तो इस गाड़ी का इंजन की, तो इस गाड़ी में फोर्स का FM 2.03 सिलेंडर कॉमन रेल BS4 इंजन लगा हुआ है, जो कि आपको बेहतर माइलेज देने में मदद करेगा। बात करें इस गाड़ी का इंजन डिस्प्लेसमेंट की, तो इस गाड़ी का जो डिस्प्लेसमेंट है 1947 cc। इस गाड़ी का पावर आपको मिलेगा 67 hp का, और टॉर्क आपको 175 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। माइलेज की बात करें दोस्तों, इस गाड़ी का जो एवरेज माइलेज आपको 17 km/l मिल जाएगा। बात करें तो इस गाड़ी का ड्राइवर केबिन की, तो आपको मैनुअल स्टीयरिंग मिलता है, मगर आप चाहे तो दोस्तों पावर स्टीयरिंग भी ले सकते हैं। और इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें, मैं यदि आपको दिखाऊं, देखिए ये आपको टोटली एनालॉग में देखने को मिलता है, उसमें आपको कुछ भी डिजिटली देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्कूल वैन है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा पावर स्टीयरिंग लेना भी आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप इस गाड़ी में देखेंगे तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जो कि गाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा है। और इस गाड़ी का ट्रांसमिशन की बात करें, आपको 5-स्पीड ट्रांसमिशन मिल जाएगा। मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको इस गाड़ी में 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जर सिस्टम मिलता है, आप देख सकते हैं 12 वोल्ट का मोबाइल सिस्टम, आप USB लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं। और आप अपने ज़रूरी चीज़ों को रखने के लिए इसमें आपको ग्लोव बॉक्स मिलेगा, जो कि लॉकेबल है, आप चाहे तो इसे लॉक कर भी दोस्तों रख सकते हैं। और इस गाड़ी का खास चीज़ की बात करें, जो कि हाइलाइट्स पॉइंट है सेफ्टी के हिसाब से, सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल सेफ्टी बार, जो कि बच्चों को सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मिरर को कवर कर देता है, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट में बहुत ही मदद करेगा। दोस्तों, ब्रेक्स की बात करें, इस गाड़ी का जो नॉर्मल ब्रेक्स आपको मिलता है डिस्क और ड्रम, मगर चाहे तो आप ABS और EBD भी ले सकते हैं। ABS और EBD बहुत ही मददगार होता है सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि ये गाड़ी को पलटने नहीं देता। बच्चों को गाड़ी में चढ़ने के लिए फोर्स मोटर ने लो हाइट ट्विन फुटस्टेप दिया है, आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि वो बच्चों को मदद करेगा गाड़ी में चढ़ने के लिए। कंफर्टेबल बैठने के लिए फोर्स मोटर ने बहुत ही शानदार सीट दिया है इस गाड़ी में, और उसके साथ हैंडल एंड सेक्शन बार दिया है, जो बच्चे इसे पकड़ कर भी बैठ सकते हैं। बात करें तो इस गाड़ी का सीटिंग कैपेसिटी की, तो वो 12 और 13 है ड्राइवर को छोड़कर, अब चाहे तो वहाँ पर भी और एक सीट लगा सकते हैं। दोस्तों, सेफ्टी के हिसाब से आपको इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो बार्स है, ये बार्स बहुत ही मदद करता है बच्चों को बैठने के लिए, और गाड़ी का स्टेबिलिटी भी वो भी कंट्रोल करता है। और सेफ्टी के हिसाब से देखें तो आपको इसमें फास्ट एड बॉक्स मिलेगा, इमरजेंसी टाइम में काम आने के लिए इसमें लगा हुआ है फायर एक्सटेंगाइजर, और उसके पास है इमरजेंसी डोर, सिर्फ इसका लीवर को यदि आप पुल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। मेरे हिसाब से फोर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है सेफ्टी के हिसाब से, आप भी देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है इमरजेंसी एग्जिट। सेफ्टी के हिसाब से देखें तो गाड़ी बहुत ही सेफ लगता है, और इसके साथ आपको मिलता है ग्रिल पार्टीशन, फास्ट एड बॉक्स। दोस्तों, ड्राइवर भी चाहे तो पीछे देख सकते हैं कि बच्चे क्या काम करते हैं, क्योंकि ड्राइवर के पास लगा हुआ है पैराबोलिक रियर व्यू मिरर। दोस्तों, सेफ्टी के हिसाब से देखें तो गाड़ी बहुत ही सेफ लगता है, और उसके साथ यदि आप चाहे तो ABS और EBD भी ले सकते हैं। ABS का मतलब होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और EBD का मतलब होता है इलेक्ट्रिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मदद करता है गाड़ी को ब्रेकिंग टाइम में स्टेबल रखने के लिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपका कुछ सुझाव है तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है दूसरा वीडियो बनाने के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और जितने सही से दोस्तों के साथ शेयर भी।